यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन यूएसएसआर, इसी को शॉर्टकट में हम लोग पहले सोवियत संघ कहते थे। इसकी शुरुआत होती है 1917 में रूस की क्रांति में, रूस के राजा जार कहा जाता था, रूस के राजा को उस समय 1917 में जो जार थे यानी राजा थे उनका नाम था निकोलस द्वितीय, इनके समय भयानक क्रांति हो गई रूस की जिसे हम वाल्सेविक क्रांति भी कहते थे, और इस क्रांति का जो नायक था वो लेनिन था। लेनिन जर्मनी में एग्जाइल पे था, वापस वो आ गया यहाँ पर, इस क्रांति को बहुत आगे बढ़ावा ले गया, और इस क्रांति के फलस्वरूप रूस जो था एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ, और सोवियत संघ की स्थापना यानी यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हो गई थी, और यह सबसे बड़ा देश बना, और इसमें 15 छोटे छोटे देश मिलकर एक विशाल खंड का निर्माण करते थे जिसमें यूक्रेन भी 1922 में यूएसएसआर में शामिल हुआ था, जो अलग हुआ 1991 में अलग हुआ था। तो अब हम समझते हैं यूएसएसआर इतना बड़ा था, ये अभी इसमें ये सारे देशों को अगर हम शामिल कर लेते थे तो ये एक्स्ट्रा इतनी जमीन जो थी वो यूएसएसआर के पास थी। टूटने के बाद ये 15 देश टूटने के बाद भी 70% एरिया बच गया रूस के पास। यूएसएसआर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और रूस 15 देशों में टूट गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस और रूस। 15 देश टूट गया, 15 हो गया, आप गिनते रहिएगा। तो यहीं से टूटा यूक्रेन, 15 देशों में एक यूक्रेन भी था जो इसमें से अलग हो गया था। 1991 से 2014 तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब 1991 में यूक्रेन अलग हुआ था और वहां से लेकर 2014 तक में सब ठीक ठाक चल रहा था। 14 में क्या हुआ, यहाँ के एक राष्ट्र जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था पेट्रो यानुकोविच, ये जो थे ये रूस के समर्थक थे। रूस कह रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल मत करो, क्योंकि अमेरिका की एक चाल है इन यूरोपीय यूनियन में शामिल करता है उसके बाद उनको नाटो का सदस्य बना लेता है। नाटो के जितने देश हैं वो किसी भी देश को मिलकर मारते हैं, अब उसमें सारे खतरनाक खतरनाक देश है, जैसे उसमें इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान इस साइड वाले नहीं है, ज्यादातर यूरोप और अमेरिका वाले, उसमें फ्रांस भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है, अमेरिका, इटली, ये सब आ जाते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में रूस ने मना किया यूक्रेन को जाने के लिए, हालांकि पेट्रो जो थे रूस के समर्थक थे लेकिन जनता चाहती थी वो यूरोपीय यूनियन में जाए। ये लास्ट मोमेंट पर पेट्रो ने अपना डिसीजन बदला जिस वजह से यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने वाली जनता जो थी वो यूक्रेन के राष्ट्रपति का विरोध कर दी, जिस वजह से ये 2014 में भाग के यूक्रेन में चले गए, रूस में चले गए, और यहाँ एक सरकार आई जो इसे यूरोपीय यूनियन में शामिल कराने के लिए हामी भर दी, जिससे रूस नाराज होकर यूक्रेन का निचला भाग क्रीमिया अपने हमला करके ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ रूस को कि ये एजोब सागर पर कंप्लीट कब्जा हो गया रूस का, अपनी नौसेना से कब्जा कर लिया क्रीमिया का। क्रीमिया पर कब्जा जब हुआ 2014 में तो पूरी दुनिया देखते रह गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया रूस के खिलाफ, और इस क्रीमिया द्वीप पर कब्जा हो गया, और नीचे जो काला सागर है, क्रीमिया के नीचे जो सागर है काला सागर, यहां पर इजिली रूस का वर्चस्व स्थापित हो गया। उस समय भी पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, और दुनिया के जो 8 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश है जिन्हें G8 कहा जाता है, नक्शा से देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, बीच में 4 देश याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये याद रहेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप में यही 4 फेमस देश है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 4 ऐसे हो गया, 2 इधर से रूस, जापान, और 2 इधर से कनाडा और अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, रूस, जापान, और बीच में जर्मनी, यहाँ पे इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 8 देश थे G8, इसमें से 2014 में रूस को बाहर निकाल दिया सब, तो G8 जो था वो बच गया G7, तो G8 अब नहीं रहा। क्रीमिया की वजह से ही, यूक्रेन की वजह से ही ये मामला अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा विवाद हो रहा है, ये चलते आ रहा है 2014 से ही चलते आ रहा है, तो वो हो गया G7 हो गया जिसमें से रूस को बाहर निकाल दिया। उसके बाद 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया, इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने कहा कि भैया हम लोग अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यूक्रेन भी ध्यान रखेगा कि यूरोप तथा अमेरिका का प्रभाव यूरोप में बढ़ने ना दे। लेकिन सब गड़बड़ कब हो गया, जब यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1949 में हुआ था, वर्तमान में इसमें 30 देश आ गए हैं, और ये 30 शक्तिशाली, कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये जितने खतरनाक देश हैं सब हैं, और ये मेनली रूस को काउंटर करने के लिए। और इस नाटो का आर्टिकल संख्या 5 कहता है कि नाटो के 300 देश किसी को मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 300 में से किसी एक को अगर कोई दूसरा देश मारेगा तो 300 मिल के मारेंगे। अब बताइए यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाएगा तो नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है वहां किसी भी देश की सेना आपस में वहां जा सकती है। तो यूक्रेन जिस दिन नाटो का सदस्य बनेगा अमेरिका की सेना यूक्रेन में भी आ सकती है,
अब बताइए कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है और उसके सीधाने ले आके दुश्मन को बैठाए और एक दुगो ने पूरा ग्रुप के दुश्मनों को बैठाए। अब अमेरिका यहाँ आएगा, अमेरिका एक को गोली चलाया और रूस भी चलाएगा तो हो गया नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन, अब पूरे 300 मिलकर मारेंगे तो अमेरिका यहाँ आके बैठ जाएगा और कमजोर स्थिति का जो फायदा उठा के उस पर हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देगा। यही है मेन विवाद का जड़। इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने, बेचारा भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप तब तक ही पैर फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखता है, ये जरूरी है। अब देखिए नाटो में इतने देश हैं, ये जितने रेड कलर के हैं सब नाटो के देश। अब आप ही बताइए यहाँ पर रूस है, रूस के सिधाने इतने दुश्मन देश है, रूस अगर इनमें से किसी एक को मारेगा ना तो ये सब मिलकर मारेंगे, तो रूस को तो पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान है नाटो वालों का। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने क्या किया, एक तो 2014 में क्रीमिया को हड़प लिया, क्रीमिया पे हड़पने के कारण ये एजोव सागर पूरी तरह से रूस के कब्जा में आ गया। इसके बाद यहाँ डोनस तथा लुहांस ये दो शहरों को, दो जगहों को विद्रोहियों को खड़ा किया और अपने सैनिकों को यहाँ भेज दिया और वो सैनिक जो थे वो सादी वर्दी में थे और विद्रोह कर दिए और कहें, और रूस ने इसको मान्यता दे दिया कि ये अलग देश है और इन अलग देश है और यहाँ अपनी पूरी तरह सेना उतार दिया। इसमें पूरी तरह रूस की सेना आ गई, यहाँ रूस की सेना पहले से थी। रूस बहुत ही सावधानी से चल रहा था, ये ऊपर का देश है बेलारूस, यहाँ रूस अपनी पूरी सेना भरे हुए है ताकि इधर से हमला करना होगा तो कर ही देगा, ये रूस है इधर से हमला आराम से कर देगा और यहाँ से तो रूस घुस ही चुका है, क्रीमिया में पहले से कब्जा किया था, ये नौसेना लगा के यहाँ से चल जाएगा, चौतरफा हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर रूस। यूक्रेन को ये समझना चाहिए, आने वाले खतरों को भांपना चाहिए, दूसरे के दम पर आप किसी दूसरे किसी ऐसे आदमी से अब खतरा नहीं मोल सकते हैं। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, तो ये अमेरिका तरह की प्रतिबंध लगाएंगे, नाटो का धमकी दे रहा है इसको, भैया नाटो का अगर सदस्य बन जाएगा यूक्रेन तब तो बवाल हो जाएगा वहां पर। यहाँ दो एरिया जो है उस पर रूस ने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, लुहांस और डोनेस, इसे डोनबास रीजन भी कहा जाता है। अब इस पे इजीली रूस क्या करेगा, यहाँ से हमला कर देगा। अब आप कहेंगे यूएनओ ने क्यों कुछ नहीं किया, तो यूएनओ को अमेरिका ने खुद एक ऐसा कठपुतली बनाया है कि अमेरिका यूएनओ का यूज करके किसी भी देश पर हमला कर सकता है, आज उसी का फायदा रूस उठा लिया। कैसे उठाया समझिए ध्यान से, यूएनओ का एक नियम है आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल 7 कहता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 यूएनओ में कोई भी चीज बर्बाद, यूएनओ क्या कर पाएगा, एंटोनियो गुटेरेस फिलिस्तीन पिटाता है क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं। कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका हुआ, क्या कर लिया इन लोगों ने, तालिबानी जब अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे थे क्या कर लिया इन लोगों ने, ये कुछ भी नहीं है यूएनओ, मतलब कुछ नहीं, तमाशा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कह रही थी 16 फरवरी को सुबह 5 बजे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, बैल है रूस जब तुरा बता के हमला करेगा, उस दिन हमला करना भी रहता तो नहीं करता पहले से पता, तो रूस ने क्या किया उस दिन पीछे हट गया। पीछे भाई, समुंदर की लहरें अगर पीछे हटती हैं तो सुनामी की पहचान होती है, गधों को लगता है कि पीछे जा रहा है वहां पे। देखिए इसमें क्या था कि चीन का रूस से काफी अच्छा संबंध है, रूस चीन के बुलावे पे गया था वहां ओलंपिक के उद्घाटन पे और जाते ही ये कह दिया कि ताइवान चीन का भाग है, तो सोच सकते हैं रूस और चाइना में कितना अच्छा संबंध है। रूस से चाइना ने कहा था कि ओलंपिक हो जाने दो, विंटर ओलंपिक, तो बीजिंग विंटर ओलंपिक 20 फरवरी को खत्म हो गया, इस दिन लास्ट हो गया और 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 2 स्वतंत्र देशों की घोषणा कर दी। अब समझिए ये स्वतंत्र देश की घोषणा क्यों की गई है, ताकि यूएनओ का आर्टिकल 7 का प्रयोग किया जा सके और 23 तारीख को उन स्वतंत्र देशों ने लेटर लिख दिया पुतिन को कि हमें सेना की मदद किया जाए और 23 तारीख को पुतिन ने क्या कर दिया, सेना से हमला कर, ये युद्ध है नहीं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन।
ऑपरेशन किसके वजह से, यूएनओ के आर्टिकल 7 के वजह से। इस हिसाब से हम लोग भी पाकिस्तान में हमला कर सकते हैं। किस तरह से, वहां पर जो बलूचिस्तान है वहां के लोग अगर लिख के दे देते हैं कि हमारी मदद कीजिए तो हम लोग भी मार सकते हैं। आज यूएनओ क्या कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी हिसाब से यूएनओ चल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद हमला यहाँ पर तेज कर दिया गया, रूस ने इसके ऊपर हमला कर दिया यूक्रेन पर। हालांकि जब यूएसएसआर का हिस्सा था तो यूक्रेन का काफी विकास किया था रूस ने। अब देखिए कैसे, ये है आपका यूक्रेन, यूक्रेन का काफी विकास किया था। जितने भी उस समय के जहाज बनते थे MiG-21, आज भी MiG-21 यूक्रेन में ही बनता है। जितने पानी वाली जहाजें रूस के यूएसएसआर के समय बनी सब यूक्रेन में। यूक्रेन के लोग आज इसको बनाना भूल गए हैं। हाल ये हो गया है जब यूक्रेन पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो यूक्रेन के इंजीनियर जहाजें बनाना भूल गए थे, तुर्की को बोले कि हमारे लिए जहाज बना दो। तो ये तो यूक्रेन की गलती है। यूक्रेन में काफी विकास किया था, यूक्रेन में ही प्रीपेड शहर बसाया गया था जहाँ चेर्नोबिल दुर्घटना हो गया था 1986 में, परमाणु दुर्घटना, उसकी राजधानी कीव के पास है। तो यूक्रेन में कोई भी देश इतना ज्यादा लगाव रखेगा और वो देश दूसरे देश को कहेगा कि नाटो सेना यहाँ लगाओ तो भड़कबे करेगा। यूक्रेन में आज भी 30% लोग रशियन भाषा बोलते हैं। पूर्वी यूक्रेन के लोग तो इजीली मान लेंगे कि वो रशिया के हैं और रशिया इसको छोड़ेगा भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी देश अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। यूक्रेन जो है आज भी जो सेना के हथियार बनते थे टैंक वगैरह वो रूस यूक्रेन में बनाता था, क्योंकि वो चाहता था कि 15 देश खुल के रखे। आज भी पाकिस्तान के टैंक जो है वो यूक्रेन के ही बने हुए हैं। यूक्रेन जब 1991 में यूक्रेन और 15 देश टूटे थे यूएसएसआर से, तो यूक्रेन के पास लगभग 200 परमाणु बम थे। 1996 में एनपीटी के समझौते के तहत यूक्रेन ने अपना 200 परमाणु बम वापस दे दिया, किसको, रूस को दे दिया। अगर ये परमाणु बम नहीं दिया रहता ना तो ये मामला कुछ और रहता। तो ये परमाणु बम कितने शक्तिशाली है, कोई भी परमाणु संपन्न देश पर हमला